हाय, दिस इज डॉक्टर रमन, आई एम अ गायनेकोलॉजिस्ट और आज हम बात करेंगे IVF टेस्ट ट्यूब बेबीज कैसे बनते हैं। सबसे पहले IVF उन कपल्स में करना चाहिए जिसमें कपल को 2 साल हो चुके हैं और फिर भी उनको बच्चा नहीं हो रहा है और उनकी सारी की सारी जांचें बिल्कुल ठीक हैं। दूसरा, अगर एक वुमेन की ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो भी IVF सजेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, अगर एक वुमेन को सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, उसके अंडे नहीं बन रहे हैं, मतलब उसके अंडे दानी में बहुत बड़े बड़े सिस्ट हैं, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हैं और अंडे नहीं बन रहे हैं, तो भी आप IVF कर सकते हैं। चौथा, अगर आपके पार्टनर का सीमेन एनालिसिस, मतलब जो आपके पार्टनर का पानी होता है, सीमेन स्पर्म्स होते हैं, वो अगर एबनॉर्मल है तो भी आप IVF कर सकते हैं। और पांचवा, अगर आपको डोनर ओसाइट्स, अगर आपको डोनर ओसाइट्स और डोनर स्पर्म चाहिए तो भी आप IVF कर सकते हैं। अब IVF प्रोसेस कैसे होता है, इसमें आप जो आपका जो बच्चा होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, वो आप बिल्कुल अपनी बॉडी से बाहर बनाते हैं, मतलब डॉक्टर आपके अंडे और आपके पति का जो सीमेन होता है वो लेके वो उसको एक कल्चर डिश में पहले बनाता है, मतलब एम्ब्रियो बनता है जिससे आपका बच्चा बनता है, फिर वो आपकी बच्चेदानी में रखता है। तो इसका मतलब जो आपका बच्चा बन रहा है वो एक कल्चर डिश में बनेगा, उसके बाद फिर हम जब वो बन जाएगा, वो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है, वो होने के बाद फिर हम उसको आपकी बच्चेदानी में रख देते हैं। तो अभी IVF प्रोसेस कैसे स्टार्ट किया जाता है, ये IVF प्रोसेस डे 2 ऑफ द मेंसेस, मतलब आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर आपको दूसरा दिन है आज महीने का, तो हम ये IVF प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसमें जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो आपको एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जिससे आपकी दोनों जो अंडेदानी है उसमें ये देखना होता है कि कितने अंडे हैं, एटलीस्ट 3-3 अंडे होने चाहिए 5-10 mm के, और आपके बच्चेदानी की जो परत है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियोटिक थिकनेस, वो कितनी अच्छी है, मतलब 5-6 mm आपकी एंडोमेट्रियल थिकनेस होनी चाहिए IVF प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले। और कुछ ब्लड टेस्ट आपके लिए जाते हैं, सीरम एस्ट्राडियोल, LH, FSH और प्रोजेस्ट्रॉन, ये बेसिक आपके लेवल्स होने चाहिए ताकि हम आपकी डोज जो हमें आपको गोनाडोट्रोपिन जो आपको इंजेक्शन हमें देने हैं, अभी इंजेक्शन आपको क्यों देने हैं, ताकि आपका अंडा बन पाए और हम उस अंडे को रिट्रीव कर पाए, मतलब हम उस अंडे को आपकी बॉडी से बाहर निकालेंगे और आपके पति के स्पर्म के साथ एक कल्चर डिश में रख के उसको एम्ब्रियो बनाएंगे, एम्ब्रियो जिससे आपका बच्चा बनता है। तो आप डे 2 पे ये इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन जिसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट LH-FSH होता है या सिंपल FSH, वो हम आपको देना शुरू करते हैं। डे 6 पे आपके फिर से यही ब्लड टेस्ट सेम रिपीट होते हैं, LH-FSH, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्राडियोल। अब डे 6 पे आप एक इंजेक्शन एंटागोनिस्ट ऐड करते हो जिसको हम बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन एंटागोनिस्ट। ये क्यों ऐड करते हो, ताकि आपकी जो बॉडी में जो खुद से हॉर्मोन्स बन रहे हैं वो आपके अंडे को बना के और जल्दी ना आपका अंडा फूट जाए, ताकि हमें टाइम मिल पाए अंडा रिट्रीव करने के लिए, इसीलिए आपका एंटागोनिस्ट हम देते हैं जिसको हम गोनाडोट्रोपिन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो वो डे 6 से आपका स्टार्ट हो चुका होता है, उसके बाद वो कंटिन्यू रहता है, गोनाडोट्रोपिन भी और उसका एंटागोनिस्ट भी दोनों चलते रहते हैं। और जब आपके अंडे 18-20 mm के हो जाते हैं, कितने भी अंडे, एक एक अंडा या दो दो अंडे आपके हो गए हैं, तो हम आपको एक ट्रिगर देते हैं ह्यूकॉग, 10,000 यूनिट्स आपको इंटरनेशनल यूनिट्स हम उसके देते हैं, और उसके बाद उसके 36 घंटे बाद हम वो ओसाइट्स रिट्रीव कर लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। अब उसके लिए महिला को एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में, क्योंकि ये आपका एक प्रोसीजर है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड से जैसे लेप्रोस्कोपी हम करते हैं, वैसे ही एक नीडल लेके और हम ओसाइट्स को रिट्रीव करते हैं, और ओसाइट्स को हम रिट्रीव करके एक कल्चर डिश में रखते हैं, और फिर आपके स्पर्म्स लेके जो आपके मेल पार्टनर के स्पर्म्स हैं उसको भी उस डिश में रख के हम फिर एम्ब्रियो बनाते हैं। अब जो एम्ब्रियो है, अगर वो 8 सेल स्टेज है, मतलब एक सेल बनते रहते हैं, जैसे 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, अगर आपका 8 सेल एम्ब्रियो है तो आपका 8 सेल एम्ब्रियो हम जैसे आज आपके अंडे अगर हमने निकाले हैं कि उसके तीसरे दिन हम वो एम्ब्रियो आपकी बच्चेदानी में रख देते हैं। अगर एम्ब्रियो के बाद जैसे एक स्टेज आती है ब्लास्टोसिस्ट, अगर आप ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करवाएंगे तो ब्लास्टोसिस्ट हम 5वें दिन ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब जब आपका अंडा निकाला उससे 5 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र किया जाता है। अब ब्लास्टोसिस्ट के जो प्रेगनेंसी आउटकम्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं देन द 8 सेल
एम्ब्रियो, तो आजकल ब्लास्टोसिस्ट हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके बाद जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया, अब जब आपने अंडा निकाला है, जो आपकी वुमेन है, फीमेल है, उसका जब आपने अंडा निकाला है, उस दिन से आपने उसको प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट कर दिया है, टैबलेट प्रोजेस्टेरॉन, वो 14-15 दिन तक, जितने भी दिन तक लेती रहेगी। उसके बाद वो यूपीटी टेस्ट करेगी और यूपीटी टेस्ट में जो प्रेगनेंसी का आउटकम होता है वो फिर हम देख लेते हैं। अब जो IVF है उसका जो प्रेगनेंसी परसेंटेज है वो है 20-40%। अब अगर 35 ईयर्स से कम की एज है तो एटलीस्ट 30-40% है। अगर 35 से ज़्यादा है तो ये परसेंटेज कम होती रहती है। तो 42 तक ये 20% तक पहुंच जाता है, लेकिन 42 ईयर्स के बाद ये ओनली 8-10% ही रह जाता है। तो 42 के बाद IVF का जो आउटकम है वो भी कम रहता है। तो इसीलिए IVF एट अ प्रॉपर एज अगर आप करें, अगर 35 से लेस या 35 से ज़्यादा भी अगर आप करें, तो इसका आपको 30-40% प्रेगनेंसी आउटकम मिल सकता है। क्योंकि IVF काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो इसीलिए सिर्फ वो कपल्स जिन्हें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है IVF की, वो लोग ये करवाते हैं। और अगर IVF उनका सक्सेसफुल होता है तो दे कैन हैव अ बेबी दैट दे नीडेड फॉर सो लॉन्ग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब।